ज़बानों के आगाज के मुतालिक सवाल एक दिलचस्प और अहम मौजू है, जिसने सदियों से माहिरीन, साइंसदानों और आम लोगों को हैरान किया है। ज़बानों की इब्तिदा एक पेचीदा और कई पहलुओं पर मबनी मौजू है, जिसमें मुख्तलिफ उलूम जैसे लिसानियात, इंसानियात, आसार एकदीमा और इद्राकी साइंस शामिल है। हालांकि इस पर बहुत तहकीक की गई है, लेकिन ज़बानों की तरक्की का बिल्कुल दुरुस्त वक्त और अमल अभी तक वाज़ह नहीं हो सका। लेकिन कई नज़रियात और शवाहिद इस इंसानी इर्तिका के अहम पहलू के बारे में कुछ मालूमात फ्राहम करते हैं। ज़बानों के आगाज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ज़बान इंसान की एक मुनफरिद खसूसियत है। अगरचे दीगर जानवर भी आवाज़ों, इशारों और अलामतों के जरिए बातचीत करते हैं, लेकिन इंसानी ज़बान को इसकी पेचीदगी और इसकी सलाहियत से मुनफरिद बनाया गया है कि इसके जरिए मुअज़्ज़र तसव्वुरात, जज्बात और पेचीदा ख्यालात को मुंतकिल किया जा सकता है। इस पेचीदगी का मतलब है कि ज़बान अचानक नहीं उभरी, बल्कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका पजीर हुई। इब्तिदाई इंसानों के दरमियान बातचीत की सबसे पहली शक्ल गालिबन सादा आवाज़ों और इशारों पर मुश्तमिल थी। ये इब्तिदाई बातचीत के तरीके गृही सरगर्मियों को मुनज्जम करने, जैसे शिकार और खुराक इकट्ठी करने के लिए और समाजी रवाबित को मजबूत करने के लिए जरूरी थे। वक्त के साथ ये इब्तिदाई निज़ाम ज्यादा तरक्की याफ्ता हुए और बाला आखिर मुकम्मल ज़बानों की शक्ल इख्तियार कर गए। ज़बान के आगाज के बारे में नज़रियात को आम तौर पर दो ग्रुहों में तकसीम किया जा सकता है, तसलसुल के नज़रियात और अदम तसलसुल के नज़रियात। तसलसुल के नज़रियात के मुताबिक ज़बान हमारे प्राइमेट अजदाद के बातचीत के निज़ामों से आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका पजीर हुई। इन नज़रियात के मुताबिक इब्तिदाई इंसानों ने आवाज़ों, इशारों और चेहरे के तासुरात का मजमुआ इस्तेमाल किया और वक्त के साथ ये निज़ाम ज्यादा पेचीदा होते गए। अदम तसलसुल के नज़रियात का कहना है कि ज़बान एक मुनफरिद खसूसियत है जो इंसानी इर्तिका के दौरान निस्बतन अचानक नमूदार हुई। इस नुक्ता-ए-नज़र के हामी अक्सर ग्रामर और नहव सिंटैक्स के इर्तिका के लिए दरकार इद्राकी छलांग को ज़बान के तदरीजी इर्तिका के खिलाफ दलील के तौर पर पेश करते हैं। सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा तसलसुल के नज़रियात में से एक इशारे पहले जेस्चर फर्स्ट फर्जिया है, जो कहता है कि इंसानी ज़बान का आगाज इशारों से हुआ था न कि आवाज़ों से। इस नज़रिए के मुताबिक इब्तिदाई इंसानों ने हाथों की हरकत और जिस्मानी ज़बान का इस्तेमाल किया और ये इशारे आहिस्ता आहिस्ता मुख्तस आवाज़ों के साथ मुंसलिक हो गए। वक्त के साथ बातचीत के निज़ाम में आवाज़ का जुज़ ज्यादा नमाया होता गया और आखिरकार बोली जाने वाली ज़बानों की तरक्की हुई। एक और अहम नज़रिया समाजी दिमाग सोशल ब्रेन फर्जिया है, जो कहता है कि ज़बान समाजी तामुल के एक आले के तौर पर इर्तिका पजीर हुई। इस नज़रिए के मुताबिक इंसानी समाजी जिंदगी की पेचीदगी, जैसे इत्तेहाद बनाना, ताल्लुकात बरकरार रखना और गृही सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना ने ज्यादा पेचीदा बातचीत के निज़ामों की जरूरत पैदा की। नतीजतन ज़बान इन समाजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इर्तिका पजीर हुई। ज़बान के आगाज से मुतालिक एक से ज्यादा नज़रियात पाए जाते हैं। मिसालन कुछ उलमाए लसानियात का कहना है कि इंसान ने मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें नकल करके उनसे मिलती जुलती आवाज़ों को अपने ख्यालात के इजहार का जरिया बनाया, जिससे अल्फाज वजूद में आए। मिसालन कुएं की आवाज़ और मुख्तलिफ ज़बानों में इसके नामों अंग्रेजी क्रो, उर्दू कुआ, हिंदी कागा, पश्तो कारघा, पंजाबी कान, फारसी काग या जाग में एक गोना मशाबेहत पाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि इंसानी ज़बान के अल्फाज मुख्तलिफ कुदरती आवाज़ों की नकल हैं। मिसालन आसमानी बिजली की आवाज़ और अंग्रेजी लफ्ज़ थंडर और पश्तो तंदर में काफी मशाबेहत है। पानी में पत्थर फेंकने से जो आवाज़ पैदा होती है उसका मवाजना उर्दू के डूब, अंग्रेजी के ड्रॉप और पश्तो के डूब या गूब से कीजिए तो ये बात वाज़े हो जाती है। उल्मा का ये भी मानना है कि इंसान ने शुरू शुरू में अपने जज्बात के इजहार के लिए वही आवाज़ें मुंतखिब की जो कोई मेहनत मशक्त वाला काम करते हुए या शदीद जज्बाती कैफ में बेख्तियार उसके मुंह से निकलती थी। ही, हाँ, हो, फू, फू, अफ, आ वगैरह जैसी आवाजें इसी कबीले से हैं।